सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज हमारा आज जो टॉपिक है, एक तो लेक्चर नंबर हमारा है 12 और हमारा टॉपिक है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन की प्रिपरेशन के जो जनरल मेथड हैं, हमने आज के टॉपिक में ये डिस्कस करने हैं। ठीक है जी, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो कौन सा है? सबसे पहला मेथड नंबर वन है जी, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, इस मेथड के ज़रिए हमने अल्कीन की प्रिपरेशन करनी है। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो, लेकिन वो किस में मौजूद हो? अल्कोहल यानी एथनॉल, एथनॉल हो सकता है, उसके अंदर ये डिप होना चाहिए। मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है ये अल्कोहल के अंदर हो रहा है और KOH की मौजूदगी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड लेंगे, तो हम देखो क्या कर रहे हैं, डी हाइड्रो और हेलो, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप क्या होगा? रिमूव होगा, रिमूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? रिमूवल ऑफ, इसके अंदर क्या होगा? रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ HX रिमूव होगा, तो ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहलाएगा। ठीक हो गया, तो हमारे पास CH3, CH2 और CH2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं सपोज क्लोरीन। ठीक है, हमने क्या इस्तेमाल किया? अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन जाएगी? प्रोपीन बन जाएगी, डबल बॉन्ड CH2+। यहाँ पर हमारे पास और क्या हासिल होगा? जो ये KOH है, KOH, इसमें पोटाशियम इस हैलोजन से रिएक्ट कर लेगा और प्रोडक्ट में हमारे पास KCl बना देगा, और यहाँ पर हमारे पास पानी बन जाएगा। मैं बताता हूँ कि अभी यहाँ पर ये सब कुछ क्यों हुआ है। ठीक है, देखो, अल्कोहलिक KOH, जब अल्कोहल में KOH डाला जाएगा तो ये किस में होगा? K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव की शक्ल में होगा। ठीक है, तो ये पोटाशियम जो है वो इस क्लोरीन से जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगी? ये बनेगा KCl, और ये जो OH नेगेटिव जुड़ेगा, ये इस कार्बन के, यानी अगर हमने इसको अल्फा कार्बन कहा तो ये हमारा कार्बन कौन सा होगा? बीटा कार्बन होगा। तो OH जो है वो बीटा कार्बन से, अल्फा कार्बन से अगर क्लोरीन निकला है तो बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन का निकलना लाजमी है। बीटा कार्बन, ये अल्फा बीटा, और ये वाला कार्बन क्या होता है? गैमा। अल्फा किसे कहते हैं? जिस ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और जिसके साथ और अल्फा के साथ अगर वो कार्बन जुड़ा हो तो हम उसको बीटा कार्बन, और बीटा के साथ जो डायरेक्ट जुड़ा होगा उसको हम गैमा कार्बन कहेंगे। तो हमने कहा कि अगर क्लोरीन अल्फा कार्बन से रिमूव हो रही है तो फिर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी, और उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो तो बनेंगी, और हमारा जो मेन पर्पस है वो इथीन, वो भी बन जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर लेते हैं CH3, CH2 और CL लेते हैं, और यहाँ पर भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा? ये क्लोरीन और ये पोटाशियम मिलकर क्या बना देंगे? यहाँ पे ये बना देंगे KCl बना देंगे। ये OH और अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा नहीं, बीटा कार्बन है ये वाला, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल के क्या बना देंगे? पानी। और ये खुद क्या बचा? देखो, इधर से भी बॉन्ड टूटा है और इधर से भी हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है, तो ये दोनों CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन बना देंगे।
ईथीन बना देंगे। यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त सी कन्वर्जन जो है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको एक सवाल आ जाए कि आपने जी आपके पास है ईथेन, आपके पास ईथेन है, आपने ईथेन से क्या बनाना है, ईथीन बनानी, ईथेन से ईथीन, ठीक है। तो ईथेन से ईथीन बनाने के लिए आप पहले क्या करें, ईथेन को किस में पहले कन्वर्ट कर दें, इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दें। और इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना जो हमने पीछे अल्केन की जो रिएक्शन में पढ़ा, हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, यहाँ पे हम करवाएंगे हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन करवा के हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। तो जब ये इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर जो ऊपर वाला मेथड हमने देखा है वो कौन सा, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन जो हमने किया है ये हम करेंगे, यानी कि इसको अल्कोहलिक के ओ एच के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारा जो है वो ईथीन प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। तो ये आपकी बुक में ये कन्वर्जन दी हुई है, कन्वर्जन, ठीक है, कि ईथेन से ईथीन जो है वो कैसे बनाई जाती है। चलें इससे नेक्स्ट रिएक्शन पर हम बात करते हैं, वो है डिहाइड्रेशन। नंबर टू जो है वो है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा मैं ये भी बता दूं, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन का नाम देंगे। ये जो ऊपर रिएक्शन हो रहा है ना, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। और जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ये भी सेम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में जो है वो कार्बोकैटायन बनते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि कार्बोकैटायन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो पहले हम जो है वो प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल CH3, CH2 और OH। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक और CH2 बना देता हूँ, CH2 और यहाँ पर OH आ गया, इसको हम कहते हैं कि अगर ये कार्बन हमारा अल्फ़ा है, ये कार्बन हमारा बीटा है और ये कार्बन गैमा है, तो अल्फ़ा कार्बन के साथ यहाँ पर सिर्फ एक ही बीटा जुड़ा हुआ है, यानी ओनली वन बीटा कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्राइमरी, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह अगर OH की जगह यहाँ पर कोई हैलोजन लगा होता तो ये अल्कोहल की बजाय ये क्या कहलाता, अल्कोहल की बजाय ये अल्काइल हैलाइड कहलाता, यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक हो गया। अच्छा हमारे पास है CH3CH और यहाँ पर CH3 आ गया और यहाँ पर लग गया OH। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन है और इसके साथ डायरेक्ट एक कार्बन बीटा और इसके साथ भी डायरेक्ट एक कार्बन बीटा जुड़ा हुआ, यानी कि दो बीटा आ गए। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी को हमेशा इससे, सेकेंडरी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। सेकेंडरी के बाद बारी आती है टर्शरी अल्कोहल की, जो कि क्या है, CH3 कार्बन, यहाँ पर CH3 CH3 और ये OH आ गया। तो इसमें आप ज़रा गौर करें कि अगर ये अल्फ़ा कार्बन है तो ये कार्बन बीटा, ये कार्बन बीटा और ये भी कार्बन बीटा है, यानी कि यहाँ पर कितने बीटा कार्बन हो गए, कितने बीटा, तीन बीटा कार्बन है। और यहाँ पे क्या कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन है, नहीं, नो, यहाँ पर कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो हम कहेंगे नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको, इस अल्कोहल को हम टर्शरी अल्कोहल का नाम देंगे और इसको थ्री नोड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक हो गया।
अच्छा, अब इन तीनों की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड डिहाइड्रेशन, ये डिफरेंट है टुवर्ड डिहाइड्रेशन। इनकी रिएक्टिविटी जो है वो एक जैसी नहीं है, मुख्तलिफ है। मतलब जो टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल ये डिहाइड्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद बारी आती है प्राइमरी अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल, और आखिर में, सॉरी ये प्राइमरी नहीं है, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, और आखिर में यहाँ पर हमारे पास आएगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल इस रिएक्शन के लिए यानी डिहाइड्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और सबसे आखिर में प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसका मतलब यह है कि जो टर्शरी अल्कोहल है ये बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा, नॉर्मल कंडीशंस पर रिएक्शन करेगा, और जो प्राइमरी है ये मतलब इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन जो है वो अप्लाई करना पड़ेंगी। ठीक हो गया। अब प्राइमरी जो टर्शरी जो है ये ऐसा ऐसा क्यों करता है? देखिए, इस रिएक्शन में मैंने यहाँ पे बात की थी कि क्या बनना होता है। ये बनना होता है कार्बो कैट आयन बनना होता है। क्या बनना होता है? कार्बो कैट आयन। अब कार्बो कैट आयन का क्या मतलब है? कार्बो कैट आयन हम उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास है CH3CH2 और OH, यानी प्राइमरी अल्कोहल है। सपोज करते हैं कि इसने अपना OH निकाल दिया, तो अब क्या बनेगा? CH2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये OH नेगेटिव बन गया। अब ये क्या है? ये है कार्बोकेट आयन। लेकिन ये कौन सा कार्बोकेट आयन है? ये है प्राइमरी कार्बोकेट आयन। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, और इसमें से OH नेगेटिव निकल जाता है, तो इस सूरत में ये क्या बन जाता है? इस सूरत में हमारे पास ये हो जाता है टर्शरी कार्बो कैटाइन, कैटाइन। ठीक है। अब मैंने बताया था कि इस रिएक्शन में कार्बो, क्योंकि हमने इसका मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करना, तो मैं इसकी रीज़न जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जो कार्बोकेटाइन बनेंगे, अब ये प्राइमरी बना, ये टर्शरी बना, इसी तरह सेकेंडरी भी बनेगा, तो ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो आप ये देखें कार्बोकेटाइन इनमें से स्टेबल कौन सा है सबसे ज़्यादा। तो ये इसमें जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है ये क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल कह लें, मोस्ट स्टेबल कह लें, मतलब इन तीनों में से जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है वो बनेगा भी, वो बनेगा। जो चीज़ स्टेबल होती है वो एग्जिस्ट करती है और फिर आगे रिएक्ट करेगी। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ए से बी बना और बी ने आगे सी बना दिया, लेकिन अगर बी बना ही नहीं तो सी कहाँ बनेगा? बात समझ में आई ना? अगर बी बना ही नहीं, ए बी बना ही नहीं, तो सी कैसे बनेगा? अब तीन कंपोनेंट हैं जो कि जिसमें से जो एक वाला है वो बी बहुत आसानी से बना देगा, इसका मतलब है जल्दी रिएक्शन करेगा। एक बी मुश्किल से बनाएगा, इसका मतलब देर से। एक बी जो है वो बिल्कुल आखिर में बनाएगा, इसका मतलब है उसके सबसे लेस रिएक्टिव होगा। तो इस सूरत में ये जो कार्बोकेटाइन है ना, इसको ये जो मिथाइल ग्रुप हैं ये ज़्यादा स्टेबिलिटी, ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए इसको देकर, जिससे इसका ये जो कार्बोकेटाइन है जो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है ये कदरे स्टेबल हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी के निस्बत, जिस वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम किसकी बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटाइन्स, कार्बो कैटाइन्स की स्टेबिलिटी की बात करें, तो जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और आखिर में प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है
वो सबसे मतलब उसके बाद आखिर में स्टेबल होगा। इसका मतलब है कि वो तमाम रिएक्शन जहाँ पर कार्बोकेटाइन बनना होंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के, उनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो टर्शरी होगा और सबसे कम रिएक्टिव जो है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा। ठीक हो गया। चलो हम इसके रिएक्शन की तरफ देखते हैं और ये देखते हैं कि इनमें कौन सी ड्रास्टिक जो है वो कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, हम जो है वो डिहाइड्रेशन शुरू कर रहे हैं। पहले डिहाइड्रेशन जो है वो हम सिंपल एक मतलब जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसको लेंगे। तो इसके साथ साथ हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इस चीज़ को याद रखें, जहन में रखें कि एक चीज़ होती है ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट होता है, और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जो ड्राइंग एजेंट होता है ये रिमूव करता है पानी को, रिमूव वाटर फिजिकली। ये किसी भी चीज़ में जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ होता है ये उसको जस्ट रिमूव करने का काम करता है, जो कि फिज़िकल प्रोसेस है। लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पर हम जो लेंगे वो क्या करेगा, केमिकल रिमूव करेगा, केमिकल रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब ये क्या करेगा, रिमूव वाटर केमिकली, केमिकल। इसका मतलब है कि वो जो कंपाउंड हमने लिया होगा जिसमें से हमने वाटर निकालना है, उसमें वाटर तो होगा नहीं, एज सच वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, होगा लेकिन उसके कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। तो ऐसे कंपोनेंट, ऐसी जो चीज़ें हैं उनको हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम देंगे। ठीक है, ऐसी जो चीज़ें होंगी उनको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम देंगे। ठीक हो गया। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास कौन से हैं, ऐसे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, उनमें जो है वो पहले Al2O3 है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H3PO3 जो है ये हमारे पास जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। H3PO3 नहीं, H3PO4 ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। Al2O3 अगर हम इस्तेमाल करें तो इसके साथ जो है वो हमें हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करें तो जो है वो हमें हाई टेम्परेचर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मतलब जितना Al2O3 में टेम्परेचर इस्तेमाल हो रहा होता है, इससे तो लो टेम्परेचर ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिहाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर। तो हमारे पास है जी CH3, CH2 और OH है। किसकी मौजूदगी है, Al2O3 की मौजूदगी। 350 से लेकर 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बन अगर अल्फ़ा है तो ये कार्बन क्या है, बीटा कार्बन। तो अगर अल्फ़ा से OH निकल रहा है तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगी, जिसके नतीजे में क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमें हासिल होगा पानी। और इसका बॉन्ड टूटा है, यहाँ पर भी बॉन्ड टूटेगा, जो मतलब इसको मैं 2 लिखता हूँ और एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, तो इसका भी बॉन्ड टूटेगा, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिसके नतीजे में बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इससे हमें क्या हासिल हुई, इथीन गैस हासिल हुई। ठीक हो गया। और ये ऐसा मेथड है कि जिसको हम बड़ी आसानी से लैब के अंदर मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, ये वो मेथड है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद है हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम ने इथीन ले ली और Al2O3 भी ले लिया। अब हम क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, और उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल और डिहाइड्रेशन, यानी हमने यहाँ पर CH2OH ले लिया। ठीक है, एक बार उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल।
ठीक है, और वो क्या है, सी एच थ्री, सी एच टू और यहाँ पर सी एच थ्री, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी, और आखिर में ये है टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो ये हमारे पास इसको अंडरलाइन, तो टर्शरी अल्कोहल सी एच थ्री कार्बन, यहाँ पर सी एच थ्री और ये है सी एच थ्री ओ एच, तो हमारे पास ये तीनों के तीनों अल्कोहल हैं। तो तीनों के तीनों अल्कोहल में जो है यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो 75% एच टू एस ओ फोर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर जो है वो हम 60% एंड 20%, मतलब यहाँ पे 60% एच टू एस ओ फोर इस्तेमाल होगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे जी, यहाँ पर जो हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे वो 20% एच टू एस ओ फोर होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे हम टेम्परेचर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर है 140 से 170 सेंटीग्रेड, यहाँ पर टेम्परेचर है 100 सेंटीग्रेड और यहाँ पर टेम्परेचर है 85 सेंटीग्रेड। तो देखें ऊपर से नीचे जो कंसंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की वो भी कम होती जा रही है और साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी कम होता जा रहा है। इसका मतलब है जो एथेनॉल है वो मुश्किल कंडीशंस में रिएक्ट करेगा, वह सख्त कंडीशन में रिएक्ट करेगा और जो टर्शियरी अल्कोहल है वो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट करेगा। तो इस सूरत में यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर बन जाएगा। यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो बनेगा CH3CH, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर CH3 आ जाएगा प्लस हमारे पास वाटर आ जाएगा। इस सूरत में हमारे पास क्योंकि तीनों के तीनों क्या हैं, बीटा कार्बन है, तीनों के तीनों बीटा कार्बन है, तो किसी भी साइड से हाइड्रोजन निकल सकता है। तो CH3 यहाँ डबल बॉन्ड मैं यहाँ बना देता हूँ और CH3 नीचे प्लस यहाँ पर वाटर निकल गया। तो तीनों केसेस हमने देख लिए कि तीनों केसेस में एल्कीन की प्रोडक्शन होती है और हमने ये भी देख लिया कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देख लिया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी देख लिया, कौन कितने टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, मतलब कौन कितने पानी में है और कौन कितने मतलब कौन कितनी आसानी से पानी निकाल देता है। आपने ये देखा कि टर्शरी जो है वो 85 पर पानी निकाल देता है, सेकेंडरी जो है वो 100 पर पानी निकाल देता है और प्राइमरी जो है वो 140 से 170 सेंटीग्रेड पर पानी निकालता है। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पर जो रिएक्शन है वो इनकी रिएक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है जी, आज हमने क्योंकि ये बड़ा डिटेल तलब टॉपिक था जिसमें मुझे आपको तमहीद बांध कर बाकी चीज़ें भी बतानी थी, तो इसलिए आज के लिए जो है वो इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो बाकी प्रिपरेशन है उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।